Page of Swords, Four of Cups, King of Cups. ओके बॉटम में आया है Seven of Swords. ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है ये आपके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज में भी आ रही हैं आपके पास. ये आपके मैं करियर से रिलेटेड बता रही हूँ, या आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर में भी अपॉर्चुनिटी आ रही है. वैसे ये लव रीडिंग है तो मैं स्पेशली फोकस मेरा लव पे ही रहेगा, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और ये ऑप्शंस मुझे सोशल मीडिया के थ्रू लग रहे हैं. मे बी कुछ फ्रेंड्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. लेकिन आप देख रहे हो यहाँ किंग ऑफ कप्स की पोजिशन में है, आप इस कप खाली कप को लेके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि कब कोई पर्सन आपके पास आके आपका कप फुल करेगा. वैसे आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं है, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन लग रहे हैं मुझे, लेकिन आप एक पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं और मे बी आपने अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी की है सोशल मीडिया के थ्रू ही, बट फिलहाल आपको ऐसा कोई उनके साइड से रिप्लाई आया नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. इस पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ मैं बताना चाहती हूँ, आप अपने पार्टनर के साइड कोई कम्युनिकेशन लेके जाना चाह रहे हैं लेकिन आप उस कम्युनिकेशन को कुछ अलग वे में लेके जाएंगे. अभी तक आपने उनसे जो भी बात की या जो भी आपने उनसे बोला, बट आप अब सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं. आप कोई नए तरीके से उनसे अप्रोच कर सकते हैं या नए तरीके से उनसे कुछ बात कर सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं. क्योंकि एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी किंग ऑफ कप्स के साथ, मे बी आप इस चीज से रेजोनेट करें कि आप ना आपके अंदर इतने ज्यादा थॉट्स चलते हैं, आप इतनी ज्यादा प्लानिंग करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या किसी चीज को ऑफर भी करना है अपने पर्सन को, तो आप इतने ज्यादा स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे. देख रहे हो ना आप, इसके चारों तरफ पानी है, वेव्स उठ रही है, मतलब आपके अंदर आप दिखोगे एकदम शांत. लोग आपको देख के बोलेंगे यार कितना शांत पर्सन है, कितना शांत वे में आप अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहे हो. लेकिन उनको क्या पता है कि आपके अंदर के थॉट्स किस वेव्स के साइड से उठ रहे हैं, है ना. तो आपका नेचर मुझे इस टाइप का लग रहा है, अंदर बहुत कुछ आपके अंदर चलता रहता है बट डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हो. आप कप लेके बैठे हो, खाली कप लियो, लेकिन तब तक आप इसको लिए रहोगे तब तक जब आपका ही पर्सन आके कोई फील नहीं कर देता. और इस सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप कुछ नेगेटिव लोगों को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. वही मैंने बताया ना, कुछ भी नेगेटिविटी है तो आप उसको शांत मन से सोचते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है. तो आपने नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव पीपल को पीछे छोड़ दिया है. ओके अब आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज देखते हैं, वो किस मोड में चल रहे हैं फिलहाल. थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, मैजिशियन. बॉटम में आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स. सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है. आपके पार्टनर ने आपको, उनको अभी रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने जो आपको सिचुएशन दी है, जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा है, वो उन्होंने सही नहीं किया. उनको रिग्रेट है इस चीज का. इस वजह से शायद वो इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपके साइड कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं फिलहाल. ये भी कार्ड निकला है थिंकिंग मोड का ही निकला है. मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको कर रहे हैं. ये मैजिशियन के ऊपर किंग ऑफ कप्स है, आप हैं तो इनकी मैनिफेस्टेशंस में आप हैं. ये कुछ चाहते हैं तो आपके साइड मूवमेंट करना चाहते हैं. थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ जरूर उन्होंने आपको बहुत बेकार तरीके से एंडिंग दी है, या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई. ये मुझे कुछ फैमिली मेंबर्स भी लग रहे हैं, या तो इन्हीं ने आपको किसी थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप इनके साइड कोई एक्शन नहीं ले पाए. बट आप दोनों फिलहाल मुझे लग रहा है थिंकिंग मोड में चल रहे हैं. ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको अपना वॉन्ट्स कैसे ऑफर किया जाए, आपको अपना किस टाइप से जो इन्होंने किया उसका रिग्रेट शो किया जाए, है ना. तो ये सारी चीज़ें इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं, कैसे काम किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए. इस वजह से वो आपको मे बी सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, कि आपको एक मैसेज ड्रॉप करने का सोच रहे हैं. तो आपको इस वीक में शायद मैसेज भी मिल सकता है उनके साइड से कोई. इनके थॉट्स में मुझे चेंजेस तो लग रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये आगे बढ़ना चाहते हैं. और कार्ड्स निकालते हैं तो थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा चीज़ें. ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स,
क्यों आया है, किस वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई है, ये देखते हैं। देखिए, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ने। ये क्लियर बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनकी फैमिली है। इनकी फैमिली में कोई फीमेल पर्सन है जो जिन्होंने आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं, बट आपके पर्सन इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन समझते हैं। वो जो भी डिसीजन लेते हैं इनके दिए हुए डिसीजन पे अपना डिसीजन लेते हैं, इन्होंने जो बोल दिया वो वही करते हैं, है ना। एक्चुअली इन्होंने इनके माइंड को कंट्रोल करके रखा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत अच्छे से डील कर रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपके लिए, वो इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं। वो इनके अब इन्होंने तो बहुत डिसाइड कर लिया और इन्होंने अपने डिसीजंस इन पे डाल दिए, बट फिलहाल आपके पार्टनर ने अब डिसाइड किया है कि मुझे इनके थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, मेरी भी कोई सेल्फ पर्सनैलिटी है, सेल्फ थॉट्स हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपके साइड मूवमेंट लेना है। जरूर वो अभी थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, बट इस वीक में कोई वो मेजर एक्शन आपके साइड ले सकते हैं। अब देखते हैं कोई एक्शन से रिलेटेड कार्ड निकल के आता है कि नहीं। ये मुझे थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स ही लग रहे हैं मैक्सिमम लोगों की लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ऐसे फैमिली मेंबर्स ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके साइड से कोई एक्शन आ सकता है क्या आपके लिए। हाई प्रीस्टेस लवर्स, ओके, बॉटम में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। कह रही हूं ना आपको, जो ये एंडिंग दे के गए हैं ना, इनको भी उस चीज का रिग्रेट है। इनका इंट्यूशन अब वर्क कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, स्पिरिचुअलिटी से ये मुझे लग रहा है थोड़ा कनेक्टेड है, इस वजह से इनका इंट्यूशन थोड़ा स्ट्रांग हो गया है और यूनिवर्स चाहते हैं अब आपको मिलाना। ये एक साइकिल था, नेगेटिव साइकिल थी जो एंड होनी थी और जो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में आनी ही थी, इस वजह से आई है। तो अब वो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना हो, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअलिटी के साथ और यूनिवर्स की हेल्प के साथ वो आपके लिए ऑफर देने का सोच रहे हैं। ओके, कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो इनके पास, बट वो किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हैं। अब देखिए ना, एक साइड है स्पिरिचुअलिटी और एक साइड है यूनिवर्स, दोनों कार्ड अगर कंट्रोल किए हुए हैं, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब इस नेगेटिविटी को कंट्रोल किए हुए हैं, इस वजह से अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है। दोनों ही कार्ड मिलकर इनको गाइड कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्स, के आपको एक्शन लेना चाहिए तो अपने पार्टनर के साइड लेना है। आपके लिए बस यही गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव रहना है, कोई नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेके नहीं आना। इन केस अगर आता भी है तो आपको कंट्रोल आना चाहिए, आपको इस किंग ऑफ कप्स की तरह ही बनना है। कितने भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आपको एकदम शांत रहना है, सबसे पहले खुद पे काम करना है, तभी ये सारी चीजें वर्कआउट होंगी।